प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से तीसरी बार लोकसभा के प्रत्याशी चुने गए हैं। ऐसे में काशी के बाजारों में राजनीतिक चर्चाएं अपने चरम पे हैं कि सियासी विसात पे इस बार कौन बैठेगा, लेकिन काशी की जनता को ये उम्मीद है कि तीसरी बार रिकॉर्ड मतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से विजयी होंगे। अपना नाम परिचय बता दीजिएगा। शक्ति जायसवाल मेरा नाम है, मैं मंडवाड़ी का मूल निवासी हूँ। शक्ति जी, क्या लगता है मोदी जी तीसरी बार यहाँ से प्रत्याशी बने हैं और काशी के एक आम नागरिक के नाते आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है? काशी के एक आम नागरिक होने के साथ साथ भाजपा के जिले का एक कार्यकर्ता भी हूँ मैं, और काशी में तीसरी बार अगर कहा जाए, अगर नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं तो ये हम लोग का भाग्य नहीं सौभाग्य का, ये पूरा काशी बम बम कर रहा है। जो है सभी लोग हर्षोल्लास से खुशी से उनका स्वागत का कर रहे हैं, और पिछले बार की तरह से भी ज़्यादा वोटों से इस बार हम लोगों ने निर्णय किया है, तय किया है कि हम लोगों ने जीत दिलानी है और ऐतिहासिक जीत होगी इस बार काशी से नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि जितनी योजनाएं, जितना कार्य योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हम लोग को मिला है, ये हम लोग को नहीं लगता है कि पिछले 50-60 वर्षों में किसी ने काशी की ओर ध्यान दिया। जो काशी एक प्राचीन नगरी है, विश्व की सबसे प्राचीन नगरी कही जाती है, उसके एवज में देखा जाए किसी ने नहीं ध्यान दिया, खाली इसका शोषण किया है। लेकिन जो विकास की योजनाएं जिस धरातल पे वो काम करते हैं, जो काम की योजना डालते हैं, शिलान्यास भी करते हैं, उद्घाटन भी करते हैं, ये गुण तो मैंने इन्हीं के पूरे सिस्टम में देखा और मैंने अभी तक किसी अन्य पार्टी में नहीं देखा। और मैं क्या पूरा काशी एकदम खुश है हर एंगल से, जैसे भी आप देखना चाहेंगे, हर किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, आपको कोई ना कोई कार्य योजना तो वहाँ पर कार्यान्वित होते देखेंगे। अच्छा, हर कार्यकर्ता जो है 50 घर का जो बात आ रहा है इस बार, तो कैसे प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग का प्लानिंग तय है, हम लोग की चूँकि बैठक हो चुकी है, इस संदर्भ में हर एक कार्यकर्ता 50 घरों में संपर्क करेगा, 50-50 घरों में वो बूथ तक कैसे लाना है, क्या है, कैसे है, वो सारी योजनाएं हम लोगों ने बना ली हैं। इसीलिए हम लोग कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि इस बार पिछले बार से भी ज़्यादा वोटों से हम लोग अपने प्रधानमंत्री जी को जीतेंगे। क्या नाम है आपका? नितेश जायसवाल, मंडवाड़ी बाजार। नितेश जी, मोदी की गारंटी इसमें पूरे देश में गूंज रही है, क्या लगता है काशी से इस बार किस तरह की गारंटी रहेगी? मोदी साहब की जो गारंटी है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्नेह और आशीर्वाद हमारे बनारस के ऊपर आया है, और इतना विकास का नदियाँ बह रही हैं, आप समझ लीजिए, अभी जो फुलवरियाँ जो पुल का निर्माण हुआ है उससे बनारस में जो कचहरी जाते थे, एयरपोर्ट से जो लंका BHU आते थे, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या होती थी जाम की, उनको वो छौका घाट और कैंट होते हुए आना पड़ता था। इसकी वजह से समझ लीजिए कि एयरपोर्ट से BHU आना एकदम सुगम हो गया है, और इसके लिए काशी की जनता हृदय की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नमन करती है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। और जो विकास की नदियाँ, जो विकास की धारा और नदियाँ समझ लीजिए इसमें बनारस में बह रही हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग उनके लिए बहुत आभारी हैं। और इस बार हम काशी की जनता ये तय किए हैं कि उनको जितने वो पिछले बार मतों से जीते थे उससे ज़्यादा से ज़्यादा मतों से उनको विजयी बनाना है। प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चुनगुहाट हो रही काशी से इस बार, तो क्या लगता है मैदान में टिक पाएगी? कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं, मोदी जी। तो लगता है कि निर्विरोध उनको होना चाहिए। काशी की जनता क्या चाहती है? काशी की जनता उनको, अगर वो चुनाव में कोई भी आता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीत रहा है बस। क्या नाम है आपका? वो जी रमेश पटेल। रमेश जी, क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री तीसरी बार फिर से काशी से? चुनाव बहुत अच्छी ओर से, किस तरह की तैयारी है आप लोग, क्या लगता है? तैयारी का जनता चिल्ला रही है। हाँ, क्या चीज़ आ रही है जनता? यही कि मतलब मोदी जी को फिर जिताना है। हाँ, जीतेंगे वो? हाँ जीतेंगे। काशी में जो काम हुआ है, काशी में जो काम हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? काम अच्छा काम है, काशी में तो अच्छा काम भैया, कोई काम खराब थोड़ो कोई काम। काशी की जनता से बातचीत करके यही समझ में आया कि काशी की एक एक जनता ने मन में ये ख्याल बना के रखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिकॉर्ड मतों से विजयी बना करके पूरे देश में एक नाम करेंगे। साथ में उनका विश्वास ये भी है कि जो विकास की गंगा काशी में बही है वो देश के लिए एक रोल मॉडल होगा। प्रभा साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।